आगरा में आप पार्टी के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हुए शामिल। आम आदमी पार्टी द्वारा भाईचारे हेतु लेके पदयात्रा निकाली है, जिसका समापन कई पर्व होने जा रहा है। वही मैं आम आदमी पार्टी के बड़े कार्यकर्ता है, पूछता हूँ इसका मकसद क्या है। सर आपका नाम? मेरा नाम बी एन खरे है। आज का जो आम आदमी पार्टी प्रोग्राम है, उसका खास मकसद क्या है? उसका खास मकसद यह है कि जो हमारे वीर जवान जो शहीद हैं, उनका मान और सम्मान प्रदान करना है, देशभक्ति पब्लिक में जागरूक करना है। वर्तमान सरकार ने देश, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भाग ही नहीं लिया, इसलिए वो वीर पुरुष और शहीदों का सम्मान करना जानते ही नहीं है। आपने आज तक देखा होगा, किसी भी शहीद और सेनानी का ना तो कोई अस्पताल खुलवाया है, ना कोई मेडिकल कॉलेज खुलवाया है, ना कोई सड़क खुलवाई है। अगर वो किसी के नाम से खुलवाते हैं तो अपनी पार्टी के नेताओं के नाम ही मेडिकल कॉलेज, स्कूल और संस्थान जो भी खुलवाते हैं, तो वो वीर पुरुष जो सेनानी है, जो हमारे शहीद है, उनका कोई ये मान सम्मान नहीं करते। आम आदमी पार्टी इन मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आम आदमी पार्टी आई तो बुनियादी जो हमारी दिल्ली सरकार ने फ्री की है, वो आप अपना एक स्टैंड हम आपको क्लियर करेंगे, लेकिन आज हम तिरंगा यात्रा निकालने के लिए आए हैं। और तिरंगा यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में तिरंगे के नीचे खड़े लोगों के हाथ साथ जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने व्यवहार किया है, वो इस तिरंगे की अनबन शान को कम करता है। इसी संकल्प के साथ कि हम ऐसी सरकार की निंदा करते हैं और हम इस तिरंगे की अनबन शान को वापस लाने के लिए किसान के लिए, एक मजदूर के लिए, एक युवा के लिए, एक उसके अंदर एक संकल्प जगाने के लिए हम तिरंगा यात्रा। लोग केजरीवाल जी आएंगे प्रचार के लिए। तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम क्या रहेगा? तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम अस्पताल के बदहाली में नंबर वन है, कोरोना की महामारी में नंबर वन है, किस चीज में नंबर वन है यूपी? जहाँ पे 8 साल उत्तर प्रदेश इस चीज में नंबर वन है, मैं बता रहा हूँ। अब तक आप लोगों ने सुना होगा डाकू फरार, माफिया फरार, चोर फरार, डकैत फरार। यहाँ पे इंद्र क्रांति पार्टी की हत्या करने वाला एसएसपी फरार है, 302 का मुजरिम। जिस राज्य में एसएसपी फरार हो रहा है, वो आप समझ सकते हैं किसका फोन है, किसका आई है? आप क्या मानते हैं? किसका हाथ है? क्या किसका है? पूर्व आईजी को भाई दूसरी आंखों में आतंकवादियों की तरह गिरफ्तार करना पूरी तरह गलत है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। FIR लिख दी गई है, तो यही काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री मुकदमा मंत्री हैं, ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर में घोटाला हुआ इस सरकार में,
बेसिक शिक्षा मंत्री का घोटाला हुआ इस सरकार में, जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ इस सरकार में, तो पानी चोरी से लेकर चंदा चोरी तक सारा काम तो ये कर रहे हैं, प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी कर रहे हैं लोग। तो इसलिए नाम बदलने की भी बात चल रही है यूपी में, नाम बदलने की जरूरत है, नाम बदलने पहले इसमें नंबर वन अव्वल थी दिल्ली, वो राज्य था जहां पे देश नहीं एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल 10,000 बेड का हॉस्पिटल बना, दिल्ली वो राज्य था, सुन तो लीजिए आप, धैर्य से सुन लीजिए, दिल्ली वो राज्य था जहां पे ऑक्सीजन बेड, जहां पे आईसीयू बेड, जहां पे लोगों की दवाएं, लोगों का इलाज बेहतर करने के लिए दिन रात हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरी सरकार काम करती रही। उत्तर प्रदेश वो राज्य था जहां पे लाशों को छिपाने के लिए टीन सेट लगाए जा रहे थे, जहां पे 12,000 का सिलेंडर 55,000 में खरीदा जा रहा था, जहां पे 800 का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा जा रहा था, 1,600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा जा रहा था, आपदा में औसत तलाश रहे थे, जब उत्तर प्रदेश की कोरोना की महामारी में लोगों की जान जा रही थी, ये प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के नाम पे चंदा चोरी कर रहे हैं, ये है इनके।